हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद दोस्त अच्छे हो गए। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हेयर एंड केयर प्रो ब्लेंड हेयर ऑयल का रिव्यू। ये वाला जो हेयर ऑयल है अभी 2024 में हेयर एंड केयर के द्वारा लॉन्च किया है कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ। क्या इम्प्रूवमेंट है इसमें आपको दोस्तों? एवोकोडा और एलोवेरा और ओलिव ऑयल का इसके अंदर दोस्तों यूज मिलता है, जिससे इसको थोड़ा सा ये एडवांस बना लेता है। एलोवेरा एवोकोडा की आपको इधर फोटो मिल जाएगी, ठीक है ना। और इधर थोड़ा सा ये आमला टाइप के, पता नहीं क्या, ये अपना एलोवेरा रहने वाला है। बात करें इसकी क्वांटिटी की, 30 ml की जो क्वांटिटी, वो 300 ml की क्वांटिटी का प्राइस मेंशन है, वो है 265। देखो ये आपको 50-60% पे बहुत आसानी से फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे मिल जाएगा। अब इसमें खास बात क्या है पुराने वाले हेयर एंड केयर ऑयल से, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा मैं यूज कर रहा हूँ, एक बार आप इसके जो इंग्रेडिएंट है वो रीड कर लो दोस्तों। इसको जब मैंने यूज किया तो मेरे को सबसे पहले इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, वो जो पुराने वाला हेयर एंड केयर ऑयल आता नॉर्मल वाला, उससे थोड़ी सी ज्यादा मेरे को स्ट्रॉन्ग इसकी फ्रेगनेंस लगी। उसकी फ्रेगनेंस थोड़ी लाइट है, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। और इसका जैसे ही मैं यूज कर रहा था, तो लंबे समय तक अगर इसका यूज करोगे तो जिन भाइयों बहनों को हल्की फुल्की हेयर फॉल की दिक्कत रहती है उनको भी ये दूर करेगा, या जिन भाइयों को बहनों को ज्यादा चिपचिपाहट वाला जो ऑयल पसंद नहीं है उनको भी ये चीज़ें जो है पसंद आने वाली है। इसका जो ऑयल है हल्का सा जैसे हेयर सीरम आता ना, उस टाइप का है कुछ कुछ, ठीक है ना, कुछ कुछ है, बिल्कुल वैसा नहीं है। क्योंकि इसका जो ये ऑयल है ना बहुत ज़्यादा पतला है, मतलब लिक्विड बहुत ज़्यादा, देखो देखो दिखाता हूँ, देखो कितना पतला है लिक्विड इसका, देखो बहुत पतला जो इसका लिक्विड रहने वाला है। और बहुत अच्छे से ये अपने हेयर्स पे शाइनिंग देता है। इसको कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन में अपने स्कैल्प पे इसकी मसाज करनी है, ऐसे देखो। बहुत बढ़िया तेल है दोस्तों, थोड़ा सा एडवांस है। अगर आप पुराने वाले हेयर एंड केयर ऑयल से परेशान हो चुके हो तो कुछ थोड़ा सा अलग यूनिक सा चाहते हो तो ऑनलाइन जो है ये मिल जाएगा, और काफ़ी शॉप्स पे जो है ये ऑफलाइन भी मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है, इसकी छोटी पैकिंग अभी नहीं आई है, ये बड़ी पैकिंग के साथ शैम्पू के साथ ये लॉन्च हुआ है, ठीक है ना। क्या पता कुछ टाइम के बाद जो है ये छोटी पैकिंग में भी अवेलेबल हो जाए, ठीक है। यदि दोस्तों हेयर एंड केयर प्रो ब्लेंड हेयर ऑयल का रिव्यू। इस हेयर ऑयल को आप कोई भी लगा सकता है, लड़का लगा सकता है, लड़की लगा सकती है, वुमेन लगा सकती है। डेली यूज में इसका यूज करना है, कोई इतना ज़्यादा स्पेशल ये हेयर ऑयल नहीं रहेगा, उसका थोड़ा सा एडवांस आप कह सकते हो, पुराने वाले तेल से का एडवांस ही है, ठीक है ना। बाकी लंबे समय तक यूज करोगे थोड़ी बहुत हेयर फॉल की जो दिक्कत है आपको, उनको ये कम कर देगा। थोड़ा बहुत डैंड्रफ वगैरह को है उसको भी कंट्रोल करेगा, और थोड़े से आपकी जो हेयर्स है उनको थोड़ी सी हेल्दी बनाने की कोशिश करेगा। कई बार क्या होता है रूखे रूखे से बाल हो जाते हैं ना, एक बाल में से दो तीन बाल निकल जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनको भी ये थोड़ा बहुत रिपेयर करेगा लंबे समय तक अगर इसका यूज करते हो तो आप। ये थी हेयर एंड केयर प्रो ब्लेंड, इसका जो वेरिएंट है वो प्रो ब्लेंड की डिटेल वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।